डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस की वजह से सुर्खियों में बनी रहने वाली कंट्रोवर्सी क्वीन उर्फी जावेद की ड्रेस ने लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये कौन सी ड्रेस है और ये क्या पहना है। हाल ही में सामने आए इस वीडियो में उर्फी ने मोतियों का सहरा सर पर सजाया हुआ है, जिसकी वजह से उर्फी को देखने में भी परेशानी हो रही है। उनको सामने देखने के लिए सहरे को हटाना पड़ रहा है। उर्फी की इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें शीतल ने लिखा है, Purposely she has wear like burqa style to come on controversies. वहीं ज्योति अरोरा ने लिखा है, I have to boycott with filmy gyan as I can see mostly उर्फी जावेद videos और pics. जबकि हेमा जैन कहती हैं, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। इसी के साथ लकी प्रिया ने लिखा है, We are all women actives and social actives. No one thinks of reporting against her. I am surprised. बता दें, ये कोई पहला वाकया नहीं है जब यूजर्स ने उर्फी को इस तरह के कमेंट्स किए हैं। ऐसा होना तो अब आम बात हो गई है, क्योंकि उर्फी कभी जंजीर से बनी ड्रेस पहन लेती हैं, तो कभी कैसेट की रील बॉडी पर लपेट कर आ जाती हैं, और कभी कभी तो इनको कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बालों से ही बॉडी को कवर कर काम चला लिया जाता है। Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut.